सहारा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों आप लोग बने रहेगा। चलते सीधा वीडियो को शुरू करते दिखाते हैं। देखिए सहारा इंडिया के निवेशकों को जल्द मिलेगा उनका पैसा। तो आगे क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए केंद्र सरकार ने सभी निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी एक एक फाइल लौटाई जाएगी। सहारा के रिफंड लेटेस्ट न्यूज नई दिल्ली से। सहारा समूह में करोड़ों निवेशकों के पैसे अटके हुए हैं। सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के बाद भी कई निवेशकों को उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच सरकार ने अभी परेशान निवेशकों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सहारा के सभी निवेशकों को एक एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी एक एक पारी लौटाई जाएगी। पहले सभी निवेशकों को सिर्फ 10,000 रुपए का रिफंड मिल रहा था, उसके बाद इसमें बताया जा रहा है तो भाई आप लोग बने रहेगा। अब सहारा समूह के पात्र निवेशकों रिफंड पोर्टल के जरिए 19,999 रुपए तक के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस संबंध में रिफंड पोर्टल पर एक अपडेट जारी किया गया है। इस खबर में उन आवेदकों के लिए जानकारी है जिन्हें अप्लाई करने के बाद भी रिफंड नहीं मिल पाया है। सारा रिफंड पोर्टल पर दिए गए अपडेट में कहा है जिन्हें आवेदन में किसी कमी या पेमेंट फेलियर के बारे में बताया गया है रुपए तक के रिसमिशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अन्य पात्र दावे के लिए तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। रिसमिशन के दावों को 45 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा। रिफंड क्लेम करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। सारा में इन्वेस्टर्स का मेंबरशिप नंबर, पॉजिटिव अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पॉजिटिव पासबुक, रकम 50,000 से ज्यादा होने पर पैन कार्ड। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है सरकार इसमें सभी लोगों को एक एक रुपये सभी का लौटाएगी। फिलहाल दोस्तों ये भी बताया जा रहा है जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट है वो लोग रिसमिशन पोर्टल पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी 19,999 के अंदर है वो लोग कर सकते हैं, उनका रिसमिशन पोर्टल पे अप्लाई हो रहा है। तो भाई आप लोग लेट ना करें, जल्द से जल्द कर दें। और इसके ऊपर वाले जो भी हैं अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल, अभी जितने भी इसके नीचे हैं 19,999 के उन्हीं का हो रहा है। तो भाई आप लोग चेक करके रिसमिशन पोर्टल पे अप्लाई कर दें। वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद।